नमस्कार दोस्तों, ओह सॉरी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं राहुल द्विवेदी आज लेके आया हूँ आपके लिए एक फिर नया और बहुत ही करंट टॉपिक पे एक वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, एक चीज़ जो अभी आप देख रहे हैं यानी कोरोना वायरस, और दूसरा एक आज न्यूज़ में बहुत आ रहा है हेंटा वायरस। दोस्तों तो आज हम इन दोनों पे आराम से बिल्कुल विस्तृत बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आज मेरी तरह आप लोग भी घर पे होंगे और अपनी फैमिली के साथ अपने घर में आराम से बैठे होंगे। दोस्तों आज मैं न्यूज़ देख रहा था अभी दोपहर में, तो न्यूज़ में मैंने एक नई चीज़ देखी, तो मुझे लगा कि शायद इस टॉपिक पे वीडियो आपको जल्दी से जल्दी देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया में और न्यूज़ में आ रही हैं। तो वैसे भी अभी हमारा देश एक ऐसे फेज से जा रहा है जहाँ पर हमें सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए सतर्कता बरतनी है। दोस्तों तो मैंने सुना दोस्तों एक नया वायरस जो है चाइना में आया है, एक आदमी जो है उससे इन्फेक्ट होकर उसकी डेथ हो गई है, जिसका नाम है हेंटा वायरस। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा जो मुझे पता है। दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले हम हेंटा वायरस की। दोस्तों इस वायरस का एक और नाम है जो कि है ऑर्थो हेंटा वायरस। दोस्तों इस वायरस से जो इन्फेक्ट होते हैं दोस्तों वो चूहे होते हैं, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं लगती है, लेकिन जब उन चूहों से कोई इंसान संपर्क में आता है तो बीमारी हो जाती है, चूहों द्वारा यूरिन जो निकाली गई है उसके संपर्क में आता है तो बीमारी हो जाती है, उसके चूहों के सलाइवा से ये बीमारी हो जाती है, और जो चूहे ने मल निकाला है अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों अब बात आती है दोस्तों कि इस वायरस से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जो कि है हेमोरेजिक फीवर रीनल सिंड्रोम। दोस्तों जो दूसरी बीमारी है वो है HPS यानी हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो बीमारी है या ये जो वायरस है ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो मैं आपसे बता दूं कि सबसे पहले दोस्तों ये देखा गया था साउथ कोरिया में जो 1976 में। दोस्तों और ये जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था उनका नाम था ही वांग ली। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों अब सिम्टम्स की। तो जो पहली बीमारी थी HFRS उसमें आपको सिम्टम्स, अगर आपको ये वायरस हो जाता है तो आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे आपके मसल्स में। दोस्तों उसमें आपको दर्द महसूस होगा और काफ़ी दर्द महसूस होगा, और उन मसल्स में होगा जो लंबी मसल्स हैं, जैसे आपकी थाइस की मसल्स, आपके बैक, आपके हिप्स, और कभी कभी आपके ये शोल्डर की भी मसल्स में आपको दर्द महसूस होगा। और ये जो HFRS है ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका में दोस्तों ये पाया जाता है। अब बात आती है HPS की। तो दोस्तों HPS में आपको जो ये इसके जो वायरस हैं या ये जो बीमारी है ये आपको नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में देखने को बीमारी मिलेगी। दोस्तों अब बात आती है सिम्टम्स की। तो इसमें आपको कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, और आपको जो है काफ़ी पेन हो सकता है आपके मसल्स में, और हेडेक भी हो सकता है, साथ साथ आपके जो टायर्डनेस रहेगी आपको, मतलब ऐसा लगेगा कि आप थके हो, तो ये इन दोनों के केस में दोस्तों आपके ये आ सकती है। अब बात आती है इसके प्रिकॉशंस की। दोस्तों तो सबसे पहले तो आपको एक लेना है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है चूहों के संपर्क में ना आए। दूसरी चीज़, चूहों को पकड़ने की आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ कि आप अपने घर में चूहा मार दवा या इस तरह के जो बाज़ार में बहुत सारे मटेरियल आता है उनको आप अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो लास्ट है वो है, अगर इन चूहों से आपको मुक्ति पानी है तो आप अपने घर में एक बिल्ली भी पाल सकते हो। तो दोस्तों ये थी बात हेंटा वायरस की। अब बात करते हैं जो आजकल चल रहा है हमारे देश में यानी कि कोरोना वायरस का। दोस्तों अब जैसे मैं ग्लव्स पहने हूँ, घर में हूँ, मास्क भी लगाए हूँ, तो दोस्तों इसमें लगाने में कोई बुराई नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी तरफ से देश के लिए काम करना चाहता है और कई लोग करते भी हैं। हमारे और आपके पास ये एक बहुत
अच्छा मौका आया है जिसमें हम अपने देश के लिए योगदान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर सरकार बोल रही है आपसे कि आप अपने घर में बैठो, तो बैठ जाओ भाई आराम से। ऐसा मौका आपको बहुत सालों बाद मिल रहा होगा कि इतने दिनों तक आप अपनी फैमिली के साथ रह सको। दूसरी चीज़, मास्क अगर पहनना है तो पहन लो ना यार। आप ये सोचो कि फैशन है, नया फैशन है। हाथ धोने के लिए बोल रहे हैं तो धो लो, क्या प्रॉब्लम है? साबुन से धो लो, सैनिटाइज कर लो, और बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे आप साफ कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है, और आप अपने अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो आप खुद भी बचोगे, और साथ में जो आपके संपर्क में आ रहे हैं वो लोग भी बचेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए अपना योगदान देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जब जैसा सरकार बोल रही है, सरकार को कुछ नहीं मिलना बल्कि उनको और नुकसान हो रहा है ये शटडाउन करके या लॉकडाउन करके, लेकिन ये आपके लिए, हमारे लिए और हम सबके लिए, देश के लिए वो कर रहे हैं, तो हमें इसमें उनका सहयोग करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो इन दोनों टॉपिक्स पे। और प्लीज़ एक और बात, कोरोना तो चल रहा था लेकिन अभी ये आ गया है एक नया वायरस, हेंटा वायरस। तो दोस्तों इसमें कोई भी अफवाह मत फैलाएं, और कोई भी पैनिक मत जो है आप पैनिक मत हो, और ना दूसरे को करें, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा एक कठिन फेज चल रहा है हमारी कंट्री में, और इस तरह की चीज़ें और फैलेंगी तो लोग और जो है सोचेंगे कि भाई ये क्या होने वाला है, लोग पैनिक होंगे। तो ऐसी कोई भी अफवाह मत उड़ाएं, बस आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बस यही मेरी आपके लिए एक दुआ है और यही मेरी कामना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियोज़ आपको मेरे अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट कर दें, ताकि मेरे जो वीडियोज़ हैं जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाएँ। और भी प्लेटफॉर्म में हम मौजूद हैं, वहाँ अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Please subscribe my channel, hit like button and press bell icon. Yours Rahul Dwivedi.